आजादी के इतने लंबे समय बाद आज देश जहां चांद व मंगल में पहुंचने का दावा करता है, वहीं आज भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुछ लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। कई गांव हैं जहां आज भी बिजली, पानी, सड़क की समस्या है, और यही हाल जिला पुंछ के मेंढे तहसील के गांव उच्चट का है, जो जिला मुख्यालय पुंछ से दक्षिण की ओर 18 किलोमीटर दूर स्थित एक, है। एक और दे दो। यहां के लोग पीने के पानी के लिए बरसों से दर बदर हो रहे हैं। ये लोग आज भी बीएसएफ द्वारा मुहैया करवाए जाने वाले पानी के टैंकर से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें बहुत पानी की प्रॉब्लम है इधर, हमें ये बीएसएफ वाले देते हैं और कहीं से पानी नहीं आता। सुबह पानी आएगा तो भरेंगे, नहीं तो 10 दिन पानी नहीं मिलेगा। सुबह आएगा टैंकर, हम पानी भरेंगे, नहीं तो फिर कहाँ से लाएंगे, कहीं से नहीं मिलेगा हमारे को पानी। यही पानी देते हैं, यहीं से भरते हैं जी। परेशानी की कोई हदूद होती है? परेशानी की कोई लिमिट हो, कोई लिमिटेशन हो तो हम बता दें, इतनी परेशानी होती है। मैं कहता हूँ ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ कैंप से ना हो तो हमें एक टाइम का खाना पकाने के लिए भी पानी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर यही बात ऊपरी सतह पर पहुँचाई जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को की तरफ अगर ये बात को पहुँचाया जाए और इस इलाके को वो नेट पर देखें, चैनल पर देखें कि क्या इस एरिया में कोई चश्मा है, क्या यहाँ चारों तरफ कोई नाला बहता है, कोई पानी का बंदोबस्त है, तो हमें झूठा इकरार दे सकते हैं। हमारा तो ऐसे हो रहा जैसे आसमान से गिरे और ज़मीन पर अटके कोई किसी का देखने सुनने वाला नहीं है। जैसे 50 साल से ही हमारे बाप दादा इस चीज़ के लिए रोते रोते चले गए, हमें भी वही रोना देख रहे हैं, मैं भी वही रोना देख रहा हूँ, हमारे माँ बाप ने वही देखा है। बीएसएफ की मशीनरी या ख़राब हो सकती है, आदमी का भी सीना इंजन ख़राब हो जाता है, अगर उसका इंजन ख़राब हो जाएगा दूसरी गाड़ी बॉर्डर पर चले जाएगी तो यहाँ 20 औरतें 37 चीज़ का अखबार वहाँ लाइन लगाती हैं, भैया पानी दे दो, मिनट करिए हमारे बच्चे भूखे, मेरा बच्चा गिर गया चार पैसे, हम पानी नहीं पीने। आपसे दुआ करते हैं हमारी बात ऊपर पहुँचाओ और पानी का जरिया अपना, ज़मीन में अल्लाह का पानी बहुत है लेकिन देने वाला कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई सरकारें रही, पॉपुलर गवर्नमेंट से लेकर गवर्नर रूल तक जम्मू कश्मीर में रहा, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इन लोगों की सुध नहीं ली। ये लोग किस हाल में जी रहे हैं किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। ये गांव एलओसी की कृष्णा घाटी के नजदीक बसता है और अक्सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा की सुरक्षा करने के साथ साथ इनकी मदद के लिए आगे आते हैं। मेडिकल एड से लेकर पीने के पानी तक बीएसएफ लगातार सीमा के आसपास के गांव के लोगों की जरूरत को पूरा करता आया है। जैसा कि आप जानते हो कि बीएसएफ सीमाओं की रक्षा सर्वप्रथम कार्य है, उसके अलावा भी सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की सहायता करना भी हमारा एक धर्म या ड्यूटी है, जिसमें हम उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं समय समय पर, और टैंकर जहाँ भी पानी या और भी कोई समस्या इनको आती है तो हम उनको तुरंत सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। और इसके लिए कोई ऐसा वो कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है हमारी, मतलब उसमें आता ही है ड्यूटी के अंदर कि हमें यहाँ आसपास जो जहाँ तकलीफ में है लोग तुरंत उनकी सहायता करें, और हम उनकी सहायता समय समय पर करते ही रहते हैं। पानी तो हमेशा ही प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पानी की प्रॉब्लम रहती है, तो हमारा टैंकर और हमने पानी के वाटर टैप भी लगाए हुए हैं जगह जगह, जहाँ से लोग यहाँ के आसपास के लोग पानी की सुविधा का फायदा उठाते हैं। इन लोगों को पानी मुहैया करवाना क्या केवल बीएसएफ की जिम्मेदारी है? हमारे सरकारी तंत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इन लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना सही है? आखिर क्या कर रहे हैं पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, पूर्व विधायक, यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अगर ये लोग पानी के लिए यूं ही दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं तो कहाँ है पीएचई विभाग, कहाँ है पूर्व विधायक, कहाँ है वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों से वोट मांगते हैं? क्या यही विकास है जिसके लिए हमारी सरकारें दावा करती हैं? हमारी सरकार से यही अपील है कि सरकार को दूर दराज के क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या लोगों को मूलभूत सुविधाएं
मिल रही हैं। मेरे सहयोगी राही कपूर के साथ मैं रितेश गुप्ता, एक्सेलसियर न्यूज़ के लिए।